पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। आवाम के तआवुन से तरक्की के सफर से तवज्जो हटाने के मजमूम अजायम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स आवाम की खुशहाली के लिए काम करने से रोक नहीं सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुदमुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को मुस्तरद करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। हमें पुरमन एहतजाज से रोका जा रहा है। आज भी कैदी वैन के दरवाजे खोले गए हैं। मैं देखता हूं पुलिस हमें कैसे रोकती है। सबसे पहले जो गिरफ्तार होगा वो उमर अयूब होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम बानी पीटीआई और शाह महमूद के लिए रैली निकाल रहे हैं। पीटीआई की पाबंदी सलासल खवातीन के लिए रैली निकाल रहे हैं। पुरमन इज्तिमा आयन के मुताबिक है। मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किया था। आईजी पंजाब आज भी जुल्म कर रहा है। हमने हमेशा आयन और कानून की बात की है। हमने पुरमन रहना है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ताकत आने जाने वाली चीज है, बतौर वजीर आला ना बतौर वजीर दाखला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकाम नहीं दिए। चादर और चार दीवारी के तकद्दस पर यकीन रखता हूँ। वजीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं, ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म कर दूंगा, कमी जरूर लाऊंगा। नेक्टा को मुकम्मल फाल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी के वजीर आजम के साथ अख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद, कहा शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था, ये कौम के साथ घिनौना मजाक था। सीमेंट प्लांट में दो दो लाइंस पर सिस्टम लगाया और दीगर को छोड़ दिया। कौम के अरबों खरबों डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा एक हुकूमत ने सारे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया था और खुद दूध के धुले हुए थे। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैब महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद अचकजई के सदारती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने उनके घर पर छापा मारा था। उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं बारिश और सैलाब से बलोचिस्तान को 1.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी ने बहाली के लिए 2.6 बिलियन डॉलर का वादा किया। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी और फैसला साजी के लिए सूबों की मुशावरत जरूरी है। ग्रीन बसें दोबारा कराची की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ग्रीन बसेस की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बस तैयार। लाहौर में तैयार होने वाली बस के एमसी हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। मुर्तजा वहाब का कहना है कि एमसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तबाहाल बसों को ठीक करा के चलाना चाहता हूँ। शहरियों को सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से हॉलैंड की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि नैदरलैंड के जदीद ज़रई तरीका ज़रात और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सकते हैं। ज़रात में नैदरलैंड से तआवुन के ख्वाहां हैं। महंगाई का बढ़ता सुनामी थमने लगा। हफ्तावार महंगाई की शरह 1.1% कम। सालाना बुनियादों पर शरह 26.9% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी हुई। आलू, खुश्क दूध, घी, दाल माश, चीनी, गुड़, मटन और बीफ महंगे।
टमाटर, प्याज, मुर्गी, आटा, अंडे और घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी हुई। शहरियों ने महंगाई में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मार्केट में अशिया तहाल कुव्वत खरीद से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि जरूरी अशिया भी सस्ती हो। हमीरपुरम एहतजाज से रोका जा रहा है। आज भी कैदी वैन के दरवाजे खोले गए हैं। मैं देखता हूं पुलिस हमें कैसे रोकती है। सबसे पहले जो गिरफ्तार होगा वो उमर अयूब होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम बानी पीटीआई और शाह महमूद के लिए रैली निकाल रहे हैं। पीटीआई की पाबंदी सलासल खवातीन के लिए रैली निकाल रहे हैं। पुरम इज्तिमा आइन के मुताबिक है। मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किया था। आईजी पंजाब आज भी जुल्म कर रहा है। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है। हमने पुरम रहना है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ताकत आने जाने वाली चीज है। बतौर वजीर आला ना बतौर वजीर दाखला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकाम नहीं दिए। चादर और चार दीवारी के तकद्दस पर यकीन रखता हूँ। वजीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म कर दूंगा, कमी जरूर लाऊंगा। नेक्टा को मुकम्मल फाल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी के वजीर आजम के साथ अख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद। कहा शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। ये कौम के साथ घनावना मजाक था। सीमेंट प्लांट में दो दो लाइंस पर सिस्टम लगाया और दीगर को छोड़ दिया। कौम के अरबों खरबों डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा एक हुकूमत ने सारे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया था और खुद दूध के धुले हुए थे। और चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो रहा। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी भी रायगा चली गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। कौमी टीम 8 विकेटें गंवा कर शिकस्त खा गई। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली।